नमस्कार दोस्तों मैं रवि त्रिपाठी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल इष्टि वित आकाश में दोस्तों अभी तक हमने हिंदी में अपनी चार वीडियोस कंप्लीट की हैं जो कि तीन स्वर की हैं और एक व्यंजन की व्यंजन की ये आखिरी वीडियो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में घोष अघोष ध्वनिया और महाप्राण अल्प्राण ध्वनियों के बारे में बात करेंगे तो बिना देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है हमारा व्यंजनों का उच्चारण स्थान जैसे दोस्तों किसी चीज को बोलने के लिए हाँ हमें मुख किसी न किसी स्थान की जरूरत पड़ती है वैसे ही हमारे व्यंजनों को भी बोलने के लिए किसी न किसी स्थान की जरूरत पड़ती है सबसे पहले बात करें कंठ से तो कंठ से आपका जो बोला जाता है वो होता है पूरा का पूरा का वर्ग अब का वर्ग क्या होता है इसके लिए आपको मेरी व्यंजन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि है पार्ट फोर का वर्ग में अगर बात करें तो का से हो गया आपका का खा गा घा और अंगा और प्रत्येक वर्ग में मैंने आपको बताया था पांच वर्ड होते हैं और टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है पांच इनको आप कटप्पा से भी याद कर सकते हैं काचा टाता पावर्ग अब बात करें ताल तालु से यानी कौन कौन से होते हैं तो तालव से हमारा वर्ग हो गया पूरा का पूरा या हो गया और शा ये हमारा तालु के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं है इसलिए ये आपको रटना ही पड़ेगा कम से कम तीन से चार बार फिर बात करें मूर्धन से कौन से बोले जाते हैं तो मूर्धन से हमारा वर्ग बोला जाता है तो एक वर्ग में मैंने आपको बताया पाँच वर्ग होते हैं इसी तरह वर्ग में टाटा डाढ़ा और रा हमारा और शाह ये वर्ड हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं यानी मूर्धा के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं अब बात करते हैं दंत के माध्यम से कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं तो पूरा का पूरा हमारा जो वर्ग है ता था दा धा ना, ये पूरा का पूरा तो दंत के माध्यम से उच्चरित होता है और ये एक वर्ड है सा ठीक है ये हमारा दंत के माध्यम से उच्चरित होता है बात करें ओष्ठ से यानी ओष्ठ की सहायता से कौन से वर्ड उच्चरित होते हैं तो ये दोस्तों पूरा का पूरा पावर्ग हो गया मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आप अपने होंठ को पकड़, पकड़ के देखिए एक नीचे वाला होंठ पकड़ लीजिए फिर आप इन पापा माँ में से कोई वर्ड नहीं बोल पाएंगे देखिएगा जरूर अब बात करते हैं दंतोष्ट की यानी दांत और ओष्ट के माध्यम से कौन सा वर्ड उच्चारित किया जाता है तो ये दोस्तों हो गया हमारा वा। वायु वाला वहां वा। से प्रश्न बनते हैं दोस्तों सबसे पहले आपसे ये भी पूछ सकता है कि काकल लेवर किसे कहते हैं तो ये जो आपका हा होता है दोस्तों यही आपका काकल व्यंजन है इसका कुछ डिफिनेशन इस टाइप की है कि इनके उच्चारित करने में आपके मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती है हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है आपसे सिर्फ यही पूछेगा और आपको यही आंसर देना है अब बात करें वत्स के वत्स वर्ड की अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो इसमें दोस्तों आपका ना आता है और ला आता है यही सब आते हैं दोस्तों आज का ये टॉपिक छोटा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें मैंने आपको एम नहीं दिए हैं क्योंकि ये सारे जितने लिखे ये एम ही हैं आप एक प्रकार से कह सकते हैं इसलिए ये आपको टॉपिक पूरा याद करना है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें